है ना वो ये वाला है। कौन सा शेड है? जो बाकी हमारी ट्यूब बची होगी ना आपको धोना नहीं है, पहले जो हमने लगाया था उसी के। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सम्मी फैमिली व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी की सुबह सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग। आज भाई बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी और अभी टाइम हो गया तकरीबन 11:30 का। मैं अभी आधा घंटा पहले उठी हूँ और नाश्ता वगैरह किया है और अभी जो मुश्किल सा मरला है ना नहाने वाला, हाय अल्लाह सर्दी में वो वाला होने वाला था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी वीडियो लेके आऊँ जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि मेरे व्यूवर्स के लिए फ़ायदेमंद भी हो। जैसा कि हर बंदा अपने घर में कलर लगाता है तो बहुत सारी मेरी बहनों के भाइयों के बहुत सारे होते हैं कि जी उनके बाल वाइट हो जाते हैं और वाइट बालों पे जो है ना कलर नहीं। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है जी कि वाइट बालों पे कलर नहीं आता, वाइट बाल बालों से कलर उतर जाता है या कुछ भी जो भी है। तो आप लोगों को उसका थोड़ा सा तरीका बताऊंगी करने का, मिक्स करने का तरीका बताऊंगी, ट्यूब लगाने का तरीका बताऊंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और दूसरी एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि सर्दियों में ना हाथों और पाँव के लिए बेस्ट है। तो आप लोगों ने बस मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आज की मेरी वीडियो में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे क्योंकि मैं अपना टोटका जो है ना वो लास्ट में जाके शेयर करूँगी ताकि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, इतनी सी देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो मैं आज अपने टोटका बताऊँगी ना वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी ताकि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो अभी मैं नहाने ही लगी थी तो मुझे क्लाइंट की कॉल आ गई, उन्होंने रेडी होना है। तो चीज़ें मेरी घर पे पड़ी हुई थी, कल मैं कहीं घर पे तैयार करने गई थी तो उसकी वजह से चीज़ें मेरी आज घर पे पड़ी हैं। तो मैंने उन्हें बोला आप घर पे ही आ जाओ, तो मैं अभी पहले उनको रेडी करूँगी, उसके बाद जो है ना अपने बालों पर जो डाई लगाना है ना वो लगाऊँगी और डाई लगाने का भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो लोग परेशान हैं वाइट बालों पर कलर नहीं आता या वाइट बालों से कलर उतर जाता है या उसका भी आपको एक टोटका बताऊँगी, लगाने का तरीका बताऊँगी ताकि आप लोगों को उसकी भी समझ आ जाए। तो चलें जी वीडियो को लंबा नहीं करना, आज बहुत कुछ है वीडियो में बताने के लिए। तो फिर जैसे ही मैं कलर मिक्स करती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप लोग मेरी जल्दी से यहाँ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा हुआ होगा उसको प्रेस करना है, घंटी को दबाना है और मेरे चैनल। अभी जी मैंने कलर लिया है सिल्की का और सिल्की का ये कलर है, नंबर है इसका 7, ये देखें 7 नंबर का ये कलर है और इसमें मैंने वॉल्यूम जो यूज़ करना है ना वो 30 है, 30 वॉल्यूम के साथ मैं इसको यूज़ करूँगी। ये 20 वॉल्यूम भी मेरे पास पड़ा हुआ था तो अभी मैं आपको तरीका बताती हूँ मिक्स करने का। अच्छा, तो मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि आप लोगों ने वाइट बालों के लिए क्या करना है, हमने ये सिल्की का कलर है, आप कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं, जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं आपने, मैं अभी सिल्की का कलर लगा रही हूँ, मैं आपको सिल्की के कलर का ही बताऊँगी। तो हमने ट्यूब लेनी है, इसको आधी आधी ट्यूब को जो है ना हमने आधी से थोड़ी 3 या 4 स्पून ले लें, हमने इसमें बाउल में डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना तो उसकी जो खिटियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। हमने बीच में डेवलपर नहीं डालना, सिर्फ जो कलर वाली ट्यूब होती है ना इसको लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, सिर्फ खाली मिक्स करना है। और जो हमारे वाइट बाल है ना आपने उन बालों पे ये लगा देना है। कलर लगाने से 20 मिनट पहले हमने पहले ये जो ट्यूब लेनी थी उसको लगाना है सारे वाइट बालों पर, जहाँ जहाँ वाइट बाल हैं उसके ऊपर आप ये लगा दें। उसके बाद हमने क्या, फिर हमने जो बाकी हमारी ट्यूब बची होगी ना उसको हमने क्या करना है, उसको हमने डेवलपर में मिक्स करना है। डेवलपर भी इसको कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने इसको फिर बाकी जो ट्यूब होगी हमने बाउल में डालना है और इसके साथ फिर मिक्स करना है। अच्छा, कुछ कलर होते हैं जिसके ऊपर ना जहाँ पे कलर लिखा होता है ना, जहाँ पे इधर कलर लिखा होता है वहाँ पे नीचे आपने कुछ कलर होंगे ऐसे कि आपने देखेंगे कि 7, अब जैसे ये 7 लिखा ना तो नीचे 1.2 लिखा होगा, वो जो कलर होते हैं ना उनमें 2 डेवलपर डलते हैं, एक डेवलपर ये और एक डेवलपर साथ में दूसरा। हमारी ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना ये कलर को ख़राब करती हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा कलर अच्छे से नहीं आया। अब जैसे कि इस पर नहीं लिखा हुआ, कुछ कलर ऐसे होते हैं। तो अच्छा, बाकी आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस कलर को कैसे मिक्स करना है। धोना नहीं है सर, पहले जो हमने कलर लगाया था उसको 20 मिनट छोड़ के फिर हमने ये पहले जो हमने लगाया था उसी के ऊपर फिर हमने वॉल्यूम के साथ जो मिक्स किया था वो लगाना है। आधा घंटा आप उसको दे दें और फिर सरवाश कर लें, आपके वाइट बाल जो हैं काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे और फिर काफ़ी अच्छे से कलर आ जाएगा। और अभी मैं ये कलर मिक्स करती हूँ, मेरे बाल देख सकते हैं, मेरे बाल ना बड़ा अच्छा मेरे बालों पर कलर हुआ हुआ है। अभी मैं तंग आ गई इस कलर से, मैंने
मैंने थोड़ा सा चेंज करने की, कोई मेरी स्टिकिंग हुई भी थी, अभी मैं स्टिकिंग थोड़ी सी खत्म कर रही हूँ, ये ब्राउन सा कलर लगा रही हूँ, कुछ दिनों तक फिर निकल आएगी। तो अभी मैं ये मिक्स करती हूँ, और अभी जो दूसरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना अपनी टिप, वो इंशाल्लाह फिर जब मैं ये लगा लगू के फारिक हो जाऊंगी ना, तो आप लोगों को दूसरी टिप भी इसी वीडियो में शेयर करूंगी। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा अभी आप देखिए मेरे वाइट बाल नहीं है, तो मैं इतना ऐसे सिंपली मिक्स कर रही हूँ। मैं फुल ट्यूब लूँगी और फुल ट्यूब में फुल वॉल्यूम डालूंगी और फिर लगा लूँगी अपने बालों में। वाइट बाल है मेरे, लेकिन कुछ एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है, तो मुझे वो वाला जो आपको तरीका बताया है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने ये इसको निचोड़ निचोड़ के निचोड़ लिया है अच्छे से, और मैं इसको डालूंगी बीच में, फुल सारा ही डालूंगी। ये देखें जी, गोल्डन गोल्डन कलर है, और यहाँ से ना ऊपर से उतरा हुआ है, तो मैं इसलिए कलर लगाने लगी। धूप में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो बाजी कलर लगाने लगी। बाजी भी अभी कपड़े धोए हैं और बाजी को गुस्सा चढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगा कलर मैंने मिक्स कर लिया था, तो अभी कलर लगाते हैं और फिर आपको लगाने के बाद जो कलर आएगा ना आपको वो भी दिखाती हूँ। अभी मेरे बालों का ये वाला कलर चेक करें। बाजी साथ में मेरी आँखों पर भी लगा रही हैं। अभी पता नहीं कलर कौन सा आता है, वैसे तो ब्राउन लेके आई हूँ मैं, लेकिन ये कलर देखें आप कौन सा, जैसे पूरा बंद कर रहा हूं कौन सा निकलता है। ये वाला कलर है तो ब्राउन, लेकिन ना गोल्डन बालों पे कर रही हूँ, और मेरे बालों पे ऐसा कलर आता भी नहीं है। मैं जो ना मर्जी महंगे से महंगा कलर लगा लूँ, मेरे बालों पे आता ही नहीं है। ये मैं कंप्लेन इब्राहिम से निकाल के आई थी कि मैंने महंगे से महंगा कलर लगाया, कट डाउन जो मैंने किया ना वो बस ऊपर वो जो एक स्टिकिंग की है ना उन बालों पे ब्लैक कलर लगा लूँ तो वो कलर आता ही नहीं है। फाइनली मैंने बालों को वॉश कर लिया, और मेरे बालों का जो कलर आया है ना वो ये वाला है, चेक करें, ब्राउन सा शेड है, बीच में गोल्डन जो लाइन है ना वो भी आ रही है। तो अभी आप लोगों ने बताना है कि कैसा कलर आया। वैसे भी मैंने कंघा शंगा नहीं किया, कंघा करती हूँ ना तो फिर सही से पता है कौन सा कलर आया है। और वैसे मैं जो कलर लेके आई थी ना सेम वही कलर आया है, तो चलें कंघा करके फिर देखते हैं। मेरे बालों का कलर चेक करें जी, ये वाला कलर आया है, और आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा और अभी भी चेक करें, अच्छा लग रहा है ये वाला कलर। काफ़ी अपना फ्रेश हो गए हैं बाल, पहले बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे तो ऐसे फेस भी गंदा गंदा लगने लग पड़ा था, तो अभी कलर काफ़ी फ्रेश हो गया और अब अच्छा लग रहा है, कलर बैठ गया है थोड़ा। पहले वो गोल्डन गोल्डन शेड निकला था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था लग रहा, लेकिन अब अच्छा हो गया है। तो अभी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में कि मैं आज आप लोगों को दो टिप्स दूंगी, और एक कलर वाली तो मैंने आप लोगों को दे दी है, और दूसरी टिप अभी रह गई है। अभी एक तो मुझे पार्लर से क्लाइंट की कॉल आ गई है कि पार्लर पे आना है, तो मुझे पार्लर पे जाना पड़ रहा है, तो अभी टाइम नहीं होगा, शाम हो जाएगी, फिर रात में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं वो वाली वीडियो तो वो वाली वीडियो मैं नहीं बना सकूंगी, वो टिप मैं आपको नहीं दे सकूंगी। वैसे वो जो टिप थी उसमें एक चीज़ जो यूज़ होती है ना वो ग्रेसलीन है, तो बाकी इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में ना आपको वो वाली स्टार्टिंग में ही ना वो आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी एक तो देर हो रही है, दूसरा उसमें एक ग्रेसलीन जो यूज़ होती है ना वो मेरे पास है, सब चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी मैं पार्लर पे जा रही हूँ, मैं रेडी होने के लिए नीचे आई थी, छत पे बैठी थी धूप में, तो अभी मैं रेडी होने के लिए नीचे आई थी, मुझे मेरे बालों का कलर अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ ही वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, इसके साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अपनी दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तो जो मैंने टिप्स दी थी आप लोगों को बालों की, वो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में आके लाजमी बताना है, और मुझे पता है कि सब अपने वाइट बालों से परेशान होते हैं, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी आके बताना है कमेंट्स में। और फिर आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक क्लिक करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।